इधर दावोस में महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी ने जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपनी बजट की उम्मीदों पर बात की। पवन गोयनका ने सरकार के काम की तारीफ की, साथ ही उन्हें कई सुझाव दिए। डायरेक्ट टैक्स में कॉर्पोरेट टैक्स की ही बात है, क्योंकि अभी अमेरिकन टैक्स कम कर दिए हैं, उससे हमारी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गई है, तो बहुत ज़रूरी है ये। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि रेवेन्यू के हिसाब से ये मुश्किल काम है, तो इट्स वेरी अनलाइकली कि इस बजट में ये काम होगा। लेकिन अगर अच्छा सरप्राइज मिले तो ये आपकी सबसे बड़ी डिमांड है। एक मेन टैक्सेशन में मेन वही डिमांड है, क्योंकि जीएसटी के बाद जो पहले हम डिमांड करते थे वो सब खत्म हो गए। जो गवर्नमेंट के काफ़ी जो प्रोग्राम चल रहे हैं जो कि इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इन्वेस्टमेंट है, जो रूरल इन्वेस्टमेंट है, एग्री इन्वेस्टमेंट है, वो सब कंटिन्यू करने चाहिए। एंड आई एम श्योर इट विल। ओके, इफ आई वर टू पुट टुगेदर एन ओवरऑल सेंटिमेंट एंड से इस गवर्नमेंट के हिट्स एंड मिसेज में अगर हम बात करें, तो हिट्स जो लोगों ने जीएसटी आईबीसी वगैरह को बोला है, मिसेज कहाँ होंगे और क्या उम्मीद करते हैं नई सरकार जो आए वो किस चीज़ों पर ध्यान दें? देखिए, अभी मुझे तो हिट्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं एंड सम ऑफ दीज वर लॉन्ग टर्म, कि उसका इफेक्ट हमने इमीडिएटली नहीं देखा और इफेक्ट धीरे धीरे अभी आ रहे हैं। जहाँ तक मिसेज का सवाल है, कहना मुश्किल है कोई एक स्पेसिफिक थिंग पर, लेकिन जो फोकस अभी एग्रीकल्चर में है, रूरल में है, वो अच्छी फोकस है, उसमें कभी कमजोरी कमी नहीं आनी चाहिए। थोड़ी शायद मैन्युफैक्चरिंग में फोकस बढ़ सकती है, अभी उसमें थोड़ा धीमापन आ गया था, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि सरकार की फोकस पूरी एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी पर चली गई थी। सो दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वुड से, कि अगर थोड़ा इंडस्ट्री को बाहर, मैन्युफैक्चरिंग को वापस, जो काइंड ऑफ फोकस देयर वाज इन 2015-16, वी नीड टू सी दैट फोकस। ओके।